दोस्तों आर्मी में मेजर के रैंक के बारे में आपने सुना तो होगा, चाहे वो मूवी में हो या फिर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। आखिर आर्मी मेजर होता क्या है, आर्मी में इसकी रैंक क्या होती होगी, और यदि आप आर्मी मेजर बनना चाहें तो आपको कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आर्मी मेजर होता क्या है, आर्मी मेजर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन और कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके साथ ही जानेंगे आर्मी मेजर की सैलरी के बारे में और इनके रैंक के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि कृपया पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन आर्मी में मेजर की पोस्ट काफी सम्मानजनक और काफी रिस्पेक्टिव पोस्ट होती है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि लेफ्टिनेंट से 2 अंक ऊपर और कैप्टन से 1 रैंक ऊपर इंडियन आर्मी में मेजर की रैंक होती है। इंडियन आर्मी का मेजर डिफरेंट काफी रणनीति और भूमिकाओं से भरा होता है और यह मिलिट्री यूनिट को निर्देश देने का काम करता है। दोस्तों एक मेजर की भूमिका बहुत ही चैलेंजिंग होती है क्योंकि मेजर की यूनिट से काम करने वाले सभी सैनिक मेजर के आदेश का पालन करते हैं। इसीलिए मेजर बनने के लिए व्यक्ति को इंटेलिजेंट और तेज डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर आर्मी मेजर कैसे बने। दोस्तों आर्मी में सिर्फ एक ही पोस्ट नहीं होती बल्कि अलग अलग पोस्ट होते हैं और आपसे आर्मी में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। जैसे अगर आपको आर्मी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF की नौकरी करनी है तो इसके लिए आप 10वीं या 12वीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर आपको आर्मी में बावर्ची बनना है तो आपको 10वीं 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। वही आर्मी में कुछ ऐसे पद होते हैं जिसके लिए आपको ग्रेजुएट भी होना जरूरी रहता है। तो आखिर आर्मी मेजर बनने के लिए क्या करें, चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर आपको आर्मी में मेजर बनना है तो सबसे पहले तो आपको इसकी योग्यता की नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर आर्मी मेजर बनने के लिए योग्यताएं क्या मांगी जाती है। दोस्तों आर्मी मेजर के रैंक तक पहुंचने के लिए 2 तरीके, चलिए जानते हैं। पहला तरीका, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA को ज्वाइन करके बन सकते हैं। दूसरा तरीका, आप कंबाइंड डिफेंस सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को NDA या फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए हर साल 2 बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाई जाने वाली एग्जाम में शामिल होना पड़ता है और इस एग्जाम को अच्छे परसेंट के साथ पास करना होता है। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि NDA के बारे में पूरी जानकारी तो NDA से रिलेटेड फुल वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर NDA के बारे में पूरी जानकारी भी देख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम UPSC भी कहते हैं, इसमें आर्मी मेजर बनने के लिए एग्जाम का आयोजन करवाता है UPSC। इसके लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में और आर्मी मेजर बनने के लिए सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं आर्मी मेजर बनने के लिए सिलेबस क्या क्या होते हैं। आर्मी मेजर के सिलेबस से पहले हम समझ लेते हैं इसकी योग्यताओं के बारे में। योग्यता में सबसे पहले नंबर पे आता है शिक्षा। दोस्तों इंडियन आर्मी में मेजर पोस्ट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को हमारे देश में किसी भी विद्यालय से 12वीं की कक्षा पास करना जरूरी है। विद्यार्थी अपनी 12वीं की कक्षा को किसी भी स्ट्रीम में पास कर सकते हैं। नंबर दूसरा, आयु सीमा। NDA से आर्मी में मेजर पोस्ट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 17.5 साल से लेकर 19 साल के बीच में होनी चाहिए। नंबर तीसरा, शारीरिक मापदंड। दोस्तों शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल एबिलिटी की बात करी जाए तो इंडियन आर्मी में मेजर की पोस्ट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उनकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए, उसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, उसके दोनों घुटने आपस में ज्वाइन नहीं होने चाहिए, उसमें ऐसी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए जो ड्यूटी के दौरान उसे प्रॉब्लम करे। अभ्यर्थी का वजन कम से कम 50 किलो या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। अभ्यर्थी के सीने की माप 80 या फिर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की आंखों का विजन 6x6 होनी चाहिए। अभ्यर्थी ज्यादा मोटापे का शिकार न होना चाहिए और अभ्यर्थियों की लंबाई 157 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ये थी फिजिकल एबिलिटी मेजर बनने के लिए। अब आइए जानते हैं मेजर बनने के लिए चयन प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि उम्मीदवारों को चयन किस तरीके से किया जाता होगा। दोस्तों यदि हम मेजर बनने की चयन प्रक्रिया और एग्जाम पैटर्न को देखें तो NDA की परीक्षा में आपको 2 सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न हल करने होंगे। वह सब्जेक्ट होंगे सामान्य योग्यता और गणित। इसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। गणित का पेपर टोटल 300 अंकों का होगा और सामान्य योग्यता का क्वेश्चन पेपर टोटल 60 अंकों का होगा। यह दोनों क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। जो अभ्यर्थी इस एग्जाम को पास कर लेंगे उन्हें एग्जाम के बाद SSB बोर्ड के द्वारा बुलाया जाएगा, जिसमें 2 चरण होते हैं, जिसमें जो अभ्यर्थी पहले चरण को पास कर लेते हैं उन्हें दूसरे चरण के एग्जाम के लिए बैठने की परमिशन मिलता है। दूसरे चरण को पास करने के बाद आपको आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट प्राप्त हो जाती है। इसके बाद तकरीबन 10 से 11 साल के बाद आर्मी में सेवा देने के बाद आपको प्रमोशन देकर मेजर बना दिया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेजर बनने का प्रोसेस काफी लंबा प्रोसेस है और इसमें आपको काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी क्योंकि मेजर करें आर्मी में काफी ऊपर होता है। तो दोस्तों ये पहला प्रोसेस था NDA के थ्रू मेजर बनना। अब आइए जानते हैं दूसरे प्रोसेस को, जिसमें आप कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी कि CDC के द्वारा मेजर बन सकते हैं।
इसमें यदि शिक्षा की बात करी जाए, इसमें ऐसे अभ्यर्थी जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस से इंडियन आर्मी में मेजर की पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हमारे भारत देश के किसी भी इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करना होगा। बेहतर होगा कि अभ्यर्थी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करें। दूसरा, आयु सीमा। कंबाइंड डिफेंस सर्विस के लिए इंडियन आर्मी में मेजर की पोस्ट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा कम से कम 19 साल और ज्यादा से ज्यादा 24 साल होनी चाहिए। नंबर तीसरा, चयन प्रक्रिया। कंबाइंड डिफेंस सर्विस को लिखित एग्जाम में अभ्यर्थियों से जनरल नॉलेज, अंग्रेजी नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परीक्षा कमेटी के द्वारा परीक्षार्थियों को इस एग्जाम देने के लिए टोटल 2 घंटे का समय दिया जाता है। अभ्यर्थियों को 2 घंटे के लिए टाइम लिमिट में ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन पेपर के लिए अधिकतम 100 अंक तय किए जाते हैं। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा को पास कर लेते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा को पास करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे व आपको आसानी से समझ में आया होगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिलती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।